हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे विल बी डिस्कस ए न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, लाइन एंड एंगल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ NCERT। तो देखिए, चैप्टर नंबर 6, लाइन एंड एंगल्स। स्टूडेंट, फर्स्ट वी डिस्कस सम कॉमन and important things of this chapter. Student, इस chapter में से related कुछ हम common और general चीज़ें हैं जो हम discuss कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, एक word आता है two parallel lines. Two parallel lines means two lines which do not intersect each other at any point. कहीं पर भी, चाहे हम उसको कितना भी आगे या पीछे हम उनको बढ़ा लें, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देखिए, एज ए एग्जांपल, ये टू पैरेलल लाइंस हैं स्टूडेंट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, एनी पॉइंट, कहीं पर भी आप देखें सेम होगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बट टू लाइंस, टू पैरेलल लाइंस एंड वन इन ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट, ठीक है। ये एल एंड एम पैरेलल लाइन, एल पैरल, देखिए पैरेलल के लिए हम ये साइन देखिए नोट डाउन करते हैं, एल पैरेलल एम, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, एक वर्ड आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? टू पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको डिस्टिंक पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पर इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर पैरेलल लाइन और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो एंगल है इसको हमने नाम दे दिया वन एंड इसको हमने नाम दे दिया टू। तो देखिए, ये भी पैरेलल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी अप ऊपर के डायरेक्शन में है, इसी के पैरेलल लाइन के ऊपर की ओर बनी हुई है। तो ये दोनों ही एंगल वन एंड एंगल टू करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर ये एंगल 3 है और नीचे वाला ये एंगल भी 4 है, तो ये देखिए, ये दोनों नीचे की साइड में बने हुए हैं डाउन डायरेक्शन में, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स अगर टू पैरेलल लाइंस हैं, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो सेम डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं इज करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद एक वर्ड आता है स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये जेड की शेप बनती है इस तरीके से, ये क्लियर। तो यहाँ पर जो एंगल 3 एंड एंगल 2, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, क्लियर। इसके बाद आता है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल स्टूडेंट, देखिए टू लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, ये एंगल जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इनका जो ये कॉमन पॉइंट होता है दोनों का, ठीक है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं स्टूडेंट, ये देखिए, ओके क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल और पैरेलल लाइन क्या होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। लेट वी स्टार्ट चैप्टर 6, एक्सरसाइज 6.1 एंड डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन ए फिगर, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। If angle AOC plus angle BOE 70 degree and angle BOD 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. So, first question, exercise 6.1. Student, यहाँ पर जो figure given है question में, ये भी आपको draw करना होगा। मेज़रमेंट करके नहीं करना है, लेकिन आपको एक रफली फिगर शो करना होगा। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फिगर को
देखने की या समझने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर वन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई एंड अनादर रे ओ ई, क्लियर? सो इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी, देखिए स्टूडेंट, अब देखिए फिगर कितना हेल्पफुल है हमें समझने के लिए। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तब इसकी बहुत हेल्प जरूरत होती है, हेल्प होते हमें मिलती है। एंगल ए ओ सी, देखिए ये है एंगल ए ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई ये एंगल है, और इन दोनों का सम, ये देखिए इन बोथ एंगल्स एडिंग एंड सम इज 70 डिग्री, गिवन गिवन क्वेश्चन में आपको गिवन है ये। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, बी ओ डी देखिए ये एंगल 40 डिग्री गिवन, रीजन भी प्रॉपर आपको देना है यहाँ पर, बी ओ डी 40 डिग्री, तो आपको कहाँ से पता चला, गिवन है क्वेश्चन में, आपको गिवन दिया हुआ है ये। फाइंड एंगल बी ओ ई, बी ओ ई एंगल हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्स भी हमें फाइंड करना है। रिफ्लेक्स मीन्स सी ओ ई जो एंगल है स्टूडेंट, सी ओ ई ये एंगल, इसके इसको आप अलग कर दें और बाकी जो रिमेनिंग एंगल है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एंगल सी ओ ई फाइंड करना होगा, तो सी ओ ई फाइंड कर लें। चलिए एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी दोनों ही कैसे हैं स्टूडेंट, ये वर्टिकली अपोजिट हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, देन दिस इज 40 डिग्री, एंगल ए ओ सी ऑल्सो 40 डिग्री, क्लियर? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्टूडेंट शॉर्ट में हमने लिख दिया, ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल बी ओ ए। अब देखिए इसके बाद एंगल बी ओ ई को फाइंड कर लें स्टूडेंट, तो बी ओ ई देखिए इन दोनों का सम गिवन था 70 डिग्री, उसमें से अगर हम इसको देखिए 40 डिग्री को माइनस कर दें तो एंगल बी ओ ई हमको मिल जाएगा। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए ओ सी हमने फाइंड किया 40 डिग्री, 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70, एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस 40 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई हमने फाइंड कर लिया है स्टूडेंट, और बी ओ ई हमें फाइंड करना भी था, तो देखिए ये तो हमने फाइंड कर लिया एंगल बी ओ
ई। अब हमें एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के लिए आपको सी ओ ई पहले फाइंड करना होगा। तो चलिए सी ओ ई फाइंड करते हैं। स्टूडेंट देखिए, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये मिल करके देखिए स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल बन चुका है 180 डिग्री। तो सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? ये तीनों एंगल देखिए, ये इन तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। सो ए ओ सी, ए ओ सी एंड बी ओ ई का सम कितना है स्टूडेंट? ए ओ सी बी ओ ई का 70 डिग्री। तो देखिए 70 प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180। एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट? एनी डाउट? देखिए तीनों ही एंगल का सम 180 है, ए ओ सी बी ओ ई गिवन है 70 डिग्री, इसको हमने माइनस किया 180 में से, तो एंगल सी ओ ई 110 डिग्री। आफ्टर दिस स्टूडेंट हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। देन रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस 110 इक्वल टू 250 डिग्री। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट? इजी है। देखिए फिगर हमें कितना हेल्प कर रहा है, हम जब इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें बार बार जो आपका फिगर है उसको देखने की हमें ज़रूरत पड़ रही है, और ये काफ़ी हेल्प कर रहा है हमें। तो इसीलिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हैं सॉल्व करें, तो हमेशा आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करें और उसके बाद सॉल्व करें आप। फिगर ड्रॉ करना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। क्लियर? सो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट किया, और इससे रिलेटेड कुछ सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया होगा, आगे ट्राई करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।